पिछले 1 वर्षों में किसानों के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न के बारे में कुछ बताइए। बात पिछले 1 वर्ष से शुरू ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है, बात पूरी की पूरी शुरू की जाए। आजादी और आजादी के पहले से कांग्रेस के 60 साल के शासन काल की अगर हम बात करें तो 2800 मेगावाट बिजली का उत्पादन था जब 2003 में हमने सरकार संभाली थी। आज 18,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है जो सिंचाई में एक मील का पत्थर है। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई 2003 तक होती थी, आज 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, यानी नहरों के जाल बिछे तो वो हमारी सरकार में बिछे। जहां मालवांचल सूखे की चपेट में हर साल आता था, नर्मदा शिप्रा को लिंक करके मालवा को हरा भरा करने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान को किसी साहूकार की ड्योढ़ी पर नाक रिगड़ता था और उसे पैसे नहीं मिलते थे, उससे बचा करके एक सम्मानजनक व्यवस्था में क्रेडिट कार्ड बना करके जो दिया वह किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो 18% ब्याज किसानों को लगता था, हमने -10% लाके खड़ा किया। पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत होती जिससे सिंचाई नहीं हो पाती थी, बीज नहीं मिलता था, यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज नीम कोटेड यूरिया गोडाउन भरे पड़े हैं, खाद की बीज की कहीं कोई कमी नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जिसकी चर्चा बार बार की जाती है, हम स्वामीनाथन आयोग की इस रिपोर्ट को 100% फॉलो कर चुके हैं, बल्कि उससे आगे बढ़कर भी सरकार काम कर चुकी। गत 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो गत 1 वर्ष में हमने प्याज जैसी फसल जिसको लेकर के हमारा किसान परेशान था, सरकार ने 6 रुपए और 8 रुपए किलो प्याज खरीदी और बाद में बहुत बड़ी संख्या में पैसा उस निमित्त किसानों के लाभ के लिए खर्च करके सरकार ने नुकसान उठाया। लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा। बाद में वो प्याज 2 रुपए किलो भी बेची गई। भावांतर योजना के माध्यम से हमने खरीफ की फसलों के लाभ देने का काम किसानों को किया और रवि में वापस से समर्थन मूल्य बढ़ा करके आज रवि की फसलों का खरीदी की, मंडियों की बेहतर व्यवस्था की, खरीदी की बेहतर व्यवस्था की, उन खरीदी के बाद जो राशि मिलनी है उसके लिए हमने बैंकों को ताकीद किया। तो लगातार लगातार हमारी जो सरकार है वो किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। जब ओले पड़ते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री खेतों में होते हैं, जब पाला पड़ता है, जब कोई और महामारी आती है, जब अनामारी होती है, तो केवल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने किसानों के लिए संवेदनशीलता से अपना व्यवहार निभाया है, अपना फर्ज निभाया है।